नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताजा खबर के साथ। तो प्रदेश के स्कूलों, इसके अतिरिक्त ट्रांसफर पॉलिसी, वहीं कर्मचारियों के एरियर और डीए पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो हिमाचल में 284 स्कूल बंद, सुखू सरकार ने किए डीनोटिफाई, 455 मिडिल स्कूलों में भेजा जाएगा स्टाफ, ट्रांसफर पॉलिसी भी बदलेगी। हिमाचल प्रदेश में 284 स्कूल बंद हो गए हैं। सुखू सरकार ने हिमाचल में जीरो एनरोलमेंट वाले 228 प्राइमरी और 56 मिडिल स्कूलों को डीनोटिफाई करके उनमें तालाबंदी कर दी है। इन स्कूलों में तैनात टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर स्टाफ की कमी चल रही है। वहीं 455 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्टाफ नहीं है और वो स्कूल डेपुटेशन पर चल रहे हैं। बंद किए गए स्कूलों के स्टाफ को इन स्कूलों में भेजा जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल खोलने के पैरामीटर में छूट दी है। पहले जहां स्कूल खोलने का पैरामीटर प्राइमरी कक्षा में 25 छात्रों का तय किया गया था, उसे अब 10 छात्र किया गया है। हाई स्कूल में छात्रों की संख्या 40 से घटाकर 20 की गई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की संख्या 60 से घटाकर 25 की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन कॉलेजों में छात्रों की संख्या 65 होगी वो फंक्शनल रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए कि ऐसे टीचर जो वर्षों से एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं उन्हें जल्द वहां से हटाया जाएगा। दूर दराज या ट्राइबल एरिया के स्कूलों में वर्षों से काम करने वाले अध्यापकों को भी चॉइस के स्टेशन पर भेजा जाएगा। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पूर्व की जयराम सरकार को घेरा और कहा कि 86,000 करोड़ रुपए का ऋण उन्हें विरासत में मिला है। अकेले 11,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के डीए और एरियर का लंबित है। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 284 स्कूल बंद कर दिए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि कर्मचारियों के एरियर और डीए को लेकर इन्होंने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट बाबा सलीम खान, पक्का काम तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी वशीकरण व मुठ करनी, घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।